हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर नेम इज लास्ट और चैप्टर नेम इज रिसोर्सेज। और लास्ट टाइम इस रिसोर्सेज का कुछ पार्ट हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज है ना, कि रिसोर्सेज के कौन कौन से टाइप है। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज आ जाता है, और दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज किसको कहते हैं, कि रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज है ना, जिसको ज़्यादा किसी प्रकार के मॉडिफिकेशन नहीं करते हुए हम सीधे नेचर से प्राप्त करते हैं है ना, उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। राइट, कोई दिक्कत? उसके अलावा अब इस नेचुरल रिसोर्सेज को हम टू टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। अब रिन्यूएबल किसको कहते हैं, कि ऐसे रिसोर्स जिसको जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, या इसको जिसको ख़त्म होने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है ना, जिसको फटाफट रिन्यू कर दिया जाता है। जैसे जस्ट लाइक सोलर एनर्जी है, वाइंड एनर्जी है, वाटर है, सोइल है, फॉरेस्ट है ना, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। खैर, इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी ये हमको क्या है कि थोड़ा व्यवस्थित उपयोग करना चाहिए। जैसे हम आजकल देखते हैं वाटर की जो क्राइसिस है, कई वर्ल्ड के कई देशों में देखी जा रही है। वैसे वाटर अनलिमिटेड मात्रा में इसके अंदर, पर इस वर्ल्ड के अंदर फिर भी जो हमें पीने योग्य पानी है वो बहुत कम मिल पाता है। इस अतः हमको इनका भी ध्यान रखना चाहिए, किंतु इनकी जो मात्रा रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इफ़ेक्ट एकदम से नहीं डाल पाता। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्स ऐसे रिसोर्स दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, इनका लिमिटेड स्टॉक्स है, और अगर इनको बनाना हो तो वापस कई साल लग जाते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोयल है ना, कोयला है, ये सारे हैं वो नॉन रिन्यूएबल के अंदर आते हैं, क्योंकि कोयला बनाने के लिए हज़ारों साल लग जाएंगे है ना। तो इनको सबको नॉन रिन्यूएबल के अंदर काउंट करते हैं। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स किसको कहते हैं, रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैज़ बीन चेंज्ड है ना। देखो, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन को भी क्या, मैंने फर्स्ट ही बता दिया, ह्यूमन को भी एक रिसोर्स माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, तो कहीं ऊपर वाले ने कोई बिल्डिंग तो अपन को दी नहीं है, वो कौन बना रहा है, ह्यूमन ही बना रहा है ना, इंसान ही बना रहा है। ब्रिज बनाना है, रोड बनाना है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, टेक्नोलॉजी इवन है ना, सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आया जाता है। ह्यूमन अगर नहीं होता तो ये सारी चीज़ें संभव नहीं थी है ना। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी को हम ह्यूमन रिसोर्स के अंदर डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव टू नॉलेज स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। बिना टेक्नोलॉजी स्किल नॉलेज इसके ये सारी चीज़ें संभव नहीं होती। इसलिए पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, इसलिए पीपल को भी क्या क्या कहा है, ह्यूमन रिसोर्स कहा गया है। और एजुकेशन और हेल्थ जो रहती हैं वो उसको और ज़्यादा वैल्यूएबल बना देती है। थैंक यू सो मच।